गूगल लेंस एक ऐसी एप्लीकेशन है जो दुनिया की आपको वो तमाम मालूमात फराहम करती है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो सर आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और किस वक्त पर ज़रूरत है और कौन कौन सी ये मालूमात आपको फराहम कर सकती है? ये वो तमाम मालूमात फराहम कर सकती है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो सर आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे ये एप्लीकेशन आपको किस तरह मालूमात फराहम करके देती है और ये एप्लीकेशन क्या क्या काम कर सकती है और क्या ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। अगर इम्पोर्टेंट रखती है तो आपको पहले क्यों नहीं पता था? तो चलते हैं सर फिर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको किस तरह मालूमात फराहम करती है। लिंक इसका सर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से जो है वो ईजिली मिल जाएगी। फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन को सर हम जैसे ही ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन किया तो आपके सामने इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो सामने आ गया। अब देख लें कि सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है ट्रांसलेट। सर ट्रांसलेट का क्या मतलब है कि हमने जैसे इसके सामने कुछ इस तरह की इंग्लिश लिखी हुई रखा है इसको, ये देखें ये सारा आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके दे रहा है जबकि मुकम्मल टू मुकम्मल इंग्लिश में था। तो सर आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज किस तरह चेंज करनी है, ये बॉटम पर आपको नज़र आ रहा है इंग्लिश। यहाँ पे सर आपको वो पूछ रहा है कि जो सी लैंग्वेज आपने लेनी है वो इंग्लिश में होगी कि उर्दू में होगी, जिसको ट्रांसलेट करना है सर वो इंग्लिश में होगी। अब ट्रांसलेट किस जबान में करना है सर, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाती है, हमने इसको करना है उर्दू में। उर्दू करके सर इसको कर देते हैं यहाँ पर अप्लाई, मतलब ये सब इंग्लिश को उसने उर्दू में कर दिया। इसके बाद सर हमारे पास आ रहा है कॉपी पेस्ट, टेक्स्ट है सर ये सारा हमारे पास टेक्स्ट लिखा है। जो लोग बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद सर उन्होंने उसमें से नोट्स निकालने होते हैं, नोट्स खुद लिखने होते हैं सर, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया तो ये कॉपी का ऑप्शन है सर, जैसे ही आप इसके कॉपी लिखेंगे तो ये सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल कर लिए, जितना सर आपने सेलेक्ट करना है उतना सर आप इस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर से सेलेक्ट करने के बाद सर यहाँ से आप कॉपी टेक्स्ट कर लें और कॉपी टेक्स्ट करने के बाद आपने जहाँ भी इसको कॉपी करना है तो आप सर इजीली कॉपी कर सकते हैं। अगर आप कॉपी टू कंप्यूटर भी करें तो सर यहाँ पे आप कॉपी टू कंप्यूटर भी कर सकते हैं। देन जो सर हमारे पास नेक्स्ट इसका पॉइंट आ रहा है वो है सर्च। सर्च में आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी का क्या मतलब है कि कुछ भी सर, जैसे हमने यहाँ पर एक बॉल पेन ली, बॉल पेन लेने के बाद सर हमने यहाँ पर इसका बारकोड जो है वो मेंशन किया। अगर सर हम यहाँ पर केला इसका बारकोड जो है वो सर्च करते हैं, यहाँ पे फोकस अगर ये कर ले जल्दी, जैसे ही हमने सर इसको सर्च किया तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ये दे देगी कि कौन सी बॉल पेन है, क्या आपको मिल जाएगी। सर अगर आप इसको ख़रीदना भी चाहते हैं तो सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगी कि द्रास पीके पे जाके आप इसको ईजिली ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने के लिए क्या करना है, आपने इस पर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आप सीधे द्रास की वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद आप वहाँ पे इसको ऑर्डर कीजिएगा और पेंसिल आपके घर में। देन इतना इजी मेथड अगर आप फिर भी ना इसको इस्तेमाल करें तो सर क्या फ़ायदा फिर गूगल को गूगल लेंस मुतारफ़ करवाने का। यहाँ पे आप विज़िट भी कर सकते हैं इसकी तमाम वेबसाइट को। देन सर जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है सर वो आ रहा है कि आप फूड में आप कुछ भी ले सकते हैं कि फूड जो आप कुछ खाने को दिल कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो सर उसकी आप इसकी आगे इमेज कर दें। जैसे सर ये एक मेरे पास मसवाक का बोल दें इसको, इसको यहाँ से करते हैं सर्च। आई थिंक ये इसको सर्च ना करे। अगर आप अपनी गैलरी से कोई पिक्चर लेके उसको सर्च करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट अपनी गैलरी को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद सर यहाँ पे अगर फ़र्ज करें कि ये एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ स्क्रीनशॉट को, तो मैं करता हूँ स्क्रोला पे, यहाँ पे इसको करते हैं हम सेलेक्ट। जैसे सेलेक्ट किया तो सर वो आपको क्रोला की वेबसाइट पे ले आया है। ये कन्फर्म नहीं था कि वो कौन सी कंपनी थी या कौन सा वो मॉडल था, लेकिन वो आपको क्रोला की वेबसाइट पे ले आया। यहाँ पे आप विकीपीडिया पे जाके इसकी तमाम मालूमात भी ले सकते हैं। देन सर नीचे उसने उस गाड़ी की तमाम इमेजेस भी आपके सामने रख दिए। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी एप्लीकेशन। यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।